हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको मुंबई यूनिवर्सिटी, जितने भी स्टूडेंट मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चे ने मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, आज की वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज में आपके जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो उनके लिए मैं आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करने वाली हूँ। मैं आज आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करने वाली हूँ फाउंडेशन कोर्स, ये जो सब्जेक्ट है फाउंडेशन कोर्स, इसके मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ एमसीक्यूज, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स है जो सब्जेक्ट है, फाउंडेशन कोर्स सभी बच्चों को कॉमन है, चाहे वो बीए के हो, बीएससी के हो, ठीक है, बीबीआई कर रहे हो, बीबीआई, बैफ, इन सभी को एक सब्जेक्ट कॉमन है और वो है फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स का ये जो सब्जेक्ट है सभी को कॉमन है, बीए, बीएससी, बीएमएस, बैफ, बीबीआई, बीएफएम। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड, कि ये जो फाउंडेशन कोर्स का ये जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको 25 मार्क्स का एक होता है प्रोजेक्ट जो आपको बनाना पड़ता है, ठीक है, और जो 75 मार्क्स होते हैं उसका यहाँ पे ये जो होता है ये थ्योरी पेपर होता है। तो ये जो 75 मार्क्स का है, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं इन फ्यूचर, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं सेमिस्टर वन के लिए, ठीक है, सेमिस्टर वन के लिए, तो मैं आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यूज प्रोवाइड करूँगी। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल को अपने दादे सादे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और जो भी आपको और ज़्यादा डाउट डिफ़िकल्टीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, आज मैं आपको मॉड्यूल नंबर 1 के एमसीक्यूज दूंगी और इससे रिलेटेड और ज़्यादा एमसीक्यूज की वीडियो भी आती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं फाउंडेशन कोर्स है जो सब्जेक्ट है, मैंने बोला है, वापस रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर में जितने भी बच्चे हैं बीए, बीएससी, बीएमएस, बैफ, बीबीआई, बीएफएम, ये सभी के लिए फाउंडेशन कोर्स सब्जेक्ट कॉमन है, और सेमिस्टर वन के लिए हम मैं आपको यहाँ पर एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रही हूँ, और भी वीडियोज़ आएंगी जल्दी ही, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं, डैश रिफर्स टू अ स्टेट ऑफ लिबरेशन, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बी वाला, मोक्ष, मोक्ष रिफर्स टू अ स्टेट ऑफ लिबरेशन। सेकंड क्वेश्चन है, डैश इज अ स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, आपको बताना है यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफी का क्या मतलब होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन है, ट्रेडिशनली हिंदू सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डैश वर्नास, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ट्रेडिशनली हिंदू सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्नास। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड कास्ट कम्स फ्रॉम द डैश वर्ड कास्टा, आपको बताना है कौन से वर्ड से यहाँ पे डिराइव हुआ है, ए, बी, सी, डी, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, आपको एक सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, स्पैनिश इज द राइट आंसर, ये जो कास्ट वर्ड है, ये कास्टा वर्ड कौन से वर्ड से आया है, स्पैनिश वर्ड से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ वन, डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज आर कंसिडर्ड टू बी ओल्डर दैन इंडो आर्यन लैंग्वेज, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सीनो तिब्बतन, सीनो तिब्बतन इज द राइट आंसर, सीनो तिब्बतन फैमिली ऑफ लैंग्वेज आर कंसिडर टू बी ओल्डर दैन द इंडो आर्यन लैंग्वेज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो, डैश स्टेट हैज़ द हाइएस्ट जेंडर रेशियो, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला, केरला स्टेट हैज़ द हाइएस्ट जेंडर रेशियो, या आपको हमेशा
तो आपको हमेशा याद रखना है केरला जो स्टेट है उसका हाईएस्ट जेंडर रेशियो है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब वॉज डिवाइडेड इंटू पंजाब एंड डैश। तो आपको बता रहा है पंजाब स्टेट जो डिवाइड हुआ है वो किस में यहाँ पे डिवाइड हुआ है। एक तो पंजाब बना है और दूसरा क्या बना है, तो आपको चार ऑप्शन दिए हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हरियाणा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द होली बुक ऑफ जूस इज डैश। तो यहाँ पे जो होली बुक है जूस की वो है तोरा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। आपको ऐसे मॉड्यूल नंबर जो 1 है फाउंडेशन कोर्स का वो है ओवरव्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पे ना आपको बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर आपको रिलीजन बताए हैं, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, जुडाइज्म। तो यहाँ पे इनकी जो है रिलीजियस बुक्स के बारे में भी बताया गया है, तो आपको इनके रिलीजियस टेक्स्ट भी याद होने चाहिए, जैसे जूस का तोरा है। तो ऐसे है आपको सारे जो रिलीजन है उनकी होली बुक लर्न करनी है। कोई भी बुक आपसे पूछी जा सकती है ऑनलाइन एग्जाम में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज डैश मेजर ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, 22। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज 22 मेजर ऑफिशियल लैंग्वेज। और आपके जो भी डाउट एंड डिफ़िकल्टीज है, आपको कुछ भी पूछना है, आपकी कुछ क्वेरीज हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत सारे न्यू MCQs लेकर आने वाली हूँ, तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश कंसिस्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ बॉडीली नीड्स एंड एन्जॉयमेंट ऑफ डिज़ायरेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आपके यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है, प्रवृत्ति मार्ग। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।